दिस न्यूज इज ब्रॉट टू बाय पीएसटी विद्या मंदिर कांगड़ा। पूर्व मुख्यमंत्री शांता कुमार ने कहा कि उनकी और वीरभद्र सिंह की पार्टी एक ही है और वह है सिद्धांतों की पार्टी। उन्होंने कहा कि आयाराम और गयाराम की राजनीति न तो वीरभद्र सिंह ने की और न ही उन्होंने। शांता कुमार ने शनिवार को धर्मशाला में भाजपा के संसदीय कार्यालय का शुभारंभ करने के बाद प्रेस वार्ता में कहा कि सुखराम के पुत्र अनिल शर्मा का मंत्री पद भी जाएगा और पोता भी बुरी तरह से हारेगा। उन्होंने कहा कि अनिल शर्मा तो उनके लिए पार्टी से निकाले हुए ही हैं। शांता ने कहा कि इन चुनावों में पंडित सुखराम की सारी गलतफहमियां दूर हो जाएंगी। शांता कुमार ने कांग्रेस पर तंज कसते हुए कहा कि कांग्रेस को लोकसभा चुनावों के लिए प्रत्याशी नहीं मिल रहे हैं, कांग्रेस पूरी तरह से दिवालिया हो चुकी है। उन्होंने कहा कि भाजपा लोकसभा चुनावों में चारों सीटों पर विजय प्राप्त करेगी। नरेंद्र मोदी जी का कोई विकल्प देश में भारतीय जनता पार्टी पार्टी का कोई विकल्प देश और 5 साल जो मंत्री हैं उनका कोई विकल्प आज देश में और जो विपक्ष है इतनी बुरी तरह से बिखरा हुआ है कि उनके हाथ में देश का शासन हो जाएगा। तो मुझे ये भरोसा है कि इस बार की जीत हमारी 14 की जीत से अधिक। दिव्य हिमाचल वेब टीवी के लिए ब्यूरो चीफ पवन शर्मा की रिपोर्ट। नो नीड टू गो कोटा एंड चंडीगढ़, क्योंकि अब कांगड़ा में खुल गया है द बेस्ट कोचिंग इंस्टीट्यूट ऑफ नॉर्थ इंडिया पीएसटी विद्या मंदिर। अब नीट जेई एनडीए और बैंकिंग की कोचिंग के लिए सोचना नहीं पड़ेगा, सीधे आ जाइए पीएचडी विद्या मंदिर कांगड़ा, जहां आपको मिलेगी हाईली क्वालिफाइड पीएचडी एनआईटीएन गोल्ड मेडलिस्ट फैकल्टी और इसके साथ मिलेगा एक्सपीरियंस रिसर्चर द्वारा डिजाइन किया हुआ पीएचडी विद्या मंदिर का स्टडी मटेरियल और साथ में चलेगी टेस्ट सीरीज, जिसकी वजह से पिछले साल पीएचडी विद्या मंदिर के 5 बच्चों ने जेई मेन्स और 7 बच्चों ने नीट क्वालिफाई किया। फॉर एडमिशन इंक्वायरी काइंडली कॉल अस ऑन 8628999977।